और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं यार, तू तो सैड तो यार। ओए होए होए होए, धुंध देखें आज कितनी गहरी धुंध है। के साथ मेरी कुल्फी जम रही है, बहुत ज्यादा सर्दी आज। लिटरली एक बहुत ही मजे की बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं सर्दी के साथ, मेरी कुल्फी जम रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी आज, और बाहर इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है ना, आज पहला दिन है इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है। ओए होए होए होए, धुंध देखें आज कितनी गहरी धुंध है। अभी मैं उठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट की है और बहुत ज़्यादा धुंध है यार। हद्दे निगाह है कुछ मीटर्स, लेकिन फिर भी आज पहले दिन इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है। बाबा जी के साइकिल की घंटी बजाने का भी अपना ही मज़ा है। क्या क्यों बाबा, हर काम का अपना मज़ा होता। ठीक है, आज काफ़ी धुंध पै गई है फिर। झाड़ू सही काम कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा थी आज, फाइनली मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। नाश्ता हमारा आ चुका है, एग पराठा और चाय, ये लाइट सा नाश्ता करते हैं। धुंध भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है और हल्की सी सनलाइट जो है और निकल आई है। तो अभी टाइम कम है हमारे पास, जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाते हैं, फिर स्कूल के लिए निकलना है। और आपको पता ही है कि मैं रेडी कितनी जल्दी हो जाता हूँ, तो रेडी होते हैं अपने उसी जादू से। तो रेडी मैं हो चुका हूँ, 20 मिनट तक हम निकलेंगे स्कूल के लिए। गाड़ी हमारी एकदम रेडी है जाने के लिए, बिल्कुल ज़बरदस्त लुक में। वॉश करके मैंने यहाँ पर इसको पार्क कर दिया है, और आज का हमारा ज़रूरी काम ये शाम को याद रखना पड़ेगा। सुबह के टाइम अच्छी खासी धुंध पड़ी हुई थी, लग नहीं रहा था कि आज मौसम क्लियर होगा या ठंड होगी, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है अब। तो मैं रोज़ाना इस टाइम 11 बजे ना आँख में ड्रॉप डालता हूँ, तो आँख में ड्रॉप डाल लेते हैं निकलने से पहले। 2-3 दिन से डाल रहा हूँ, तो काफ़ी बेहतर हो गई है आँख अब मेरी। और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। उससे क्या होगा कि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप मेरा आने वाला व्लॉग जो है वो सबसे पहले देख सकेंगे। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं यार, तू तो सैड तो यार। अशफाक मीर व्लॉग को सब्सक्राइब करके आप हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे, जो कि लिटरली एक बहुत ही मज़े की बात है। लाइट सुबह से नहीं आ रही, 11:30 का टाइम होने वाला है और साथ वाले घर में जनरेटर चल रहा है सुबह से, उसने सर में दर्द किया हुआ है। गाड़ी के टायर्स में ना हवा का प्रेशर चेक करवाए, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है टायर प्रेशर, लेकिन चेक करवा लेना चाहिए। तो गाड़ी हमारी गेट से बाहर हो चुकी है, निकलती हैं, 10 मिनट लेट हो गए हम। भाई जान काफ़ी स्पीड के साथ गाड़ी चला के ना पहुँचा हूँ स्कूल। दूसरे स्कूल से बच्चों को पिक करके हम आ गए हैं इधर NGS, यहाँ से बच्चों पिक करके अब सीधे घर वापस निकलेंगे। तंदूर पे रुका था ये रोटियाँ लेने, ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी खाना छाना खा के मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मार्केट जाना है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो मार्केट चलेंगे। तो अभी ये कुछ गन्ने हैं, पड़े पड़े ड्राई हो चुके हैं, तो इनको ठिकाने लगाते हैं। कर ले बाहर ते अंदर दे दे, वो देख देख देख। फाइनली जी गन्नों से हमने जान छुड़ा ली है, तो अब चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम थी, तो मैं गाड़ी पीछे छोड़ा है और अब ट्रैफिक निकल गई। मार्केट गया हुआ था, ये सब्ज़ी पकड़ी है, वहाँ से अब घर वापस आ गया हूँ, कोई ख़ास काम नहीं था, तो अब हैं हम बिल्कुल फ्री, तो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। सुबह सुबह की लाइट गई है तकरीबन 8 बजे की, और अभी 2:10 हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। साथ वाले घर में जनरेटर
फुल टाइम से चल रहा है और सर में सर का दर्द बना हुआ है। जनाब मैं उस टाइम का रेस्ट कर रहा था, अभी उठा हूँ, मगरिब की अज़ानें हुई हैं, हमारा एक ज़रूरी काम जो है वो हम करने निकलते हैं बाहर। तो मगरिब के टाइम फिल्टर प्लांट जो है वो ऑन हो जाते हैं, तो हम पानी लेने के लिए निकलते हैं। बॉटल्स में रख लेता हूँ गाड़ी में, और जैसे ही शाम हुई है हल्की हल्की सी धुंध होना शुरू हो गई अभी से। लोग शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं और हम घर पे आराम कर करके थक गए। मरीना रेस्टोरेंट पे फुल रश है जी, फिश खाई जा रहे हैं लोग। सामने बिल्डिंग की कमाल की लाइटिंग हुई है, काफ़ी दूर आसमान तक लाइटें जा रही हैं। वाह, मैं पानी लेके घर वापस आया हूँ। यार आजकल के दिन इतने इतने आरामदेह, इतने लेजी, इतने फ्री गुजर रहे हैं ना कि पूछे मत। और किसी दिन इतना ज़्यादा काम होता है कि सांस लेने का टाइम नहीं मिलता जनाब। अभी भी मैं फिर से बिल्कुल फ्री हूँ, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। तो आज का ब्लॉग जो है वो हम यहीं पर एंड कर देते हैं मेरे ख्याल से। तो आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखना है, दुआएं करते हो ना उनमें मुझे याद रखना है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।